गुड मॉर्निंग बच्चों, ठोस का अगला पार्ट अपने पास है आज पार्ट नंबर 18। लास्ट वाले टॉपिक में आपका क्वेश्चन था कि जो लोहा है, आयरन है, वो चुंबकीय गुणों के आधार पर कैसा ठोस है। सभी बच्चों का आंसर सही आया है, लगभग 65 कमेंट आए हैं, 65 कमेंट आए हैं। अभी भी बच्चे हैं जो कमेंट नहीं दे रहे, और उसका आंसर था अपने पास कि लोहा जो है वो चुंबकीय गुणों के आधार पर लोह चुंबकीय है। कैसा है? लोह चुंबकीय, यानी कि फेरोमैग्नेटिक। कैसा है? फेरोमैग्नेटिक। दूसरा आपको ध्यान है कि मंडे को आपका एग्जाम किसका है जी? फिजिक्स का पेपर है, मंडे को पेपर है। पेपर अपलोड कर दिया जाएगा, उसका आंसर कैसे भेजना है उसकी जानकारी आपको आपके ग्रुप में और इन्फॉर्मेशन फोल्डर में मिल जाएगी। ठीक है जी, जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो कमेंट करें प्रॉपर वे से। आज के टॉपिक को अपने आगे बढ़ाते हैं। कल वाले टॉपिक में अपने पढ़ रहे थे ठोसों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। में एक फॉर्मूला था म्यू बराबर रूट में एन एन प्लस टू बी एन, में एन क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। म्यू का मतलब क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। म्यू चुंबकीय आघूर्ण, म्यू बराबर है चुंबकीय आघूर्ण, और एन का मतलब क्या है सूत्र में? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस न्यूमेरिकल पर, इस सूत्र पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन। जैसे प्रश्न है आज का आपके लिए कि Fe प्लस 3 के चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है। आज के वीडियो का क्वेश्चन है कि Fe प्लस 3 के चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है, इसका आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले अपने इस फॉर्मूले को यूज करते हुए Fe 26 के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करते हैं म्यू बराबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक जो है फिलहाल अपने लिए ये है, एक नंबर पे कि आयरन के चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना है। यहाँ पे आयरन नहीं है, ये Fe प्लस थ्री का मतलब क्या होता है? फेरिक। Fe प्लस थ्री का मतलब क्या होता है? फेरिक। अपने को Fe का ज्ञात करना है, तो Fe का कैसे ज्ञात करेंगे? Fe कितने नंबर पर आता है? 26। 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? आर्गन 18, 3d, 4s, 18 और 2 20, 20 और 6 26। डी ब्लॉक का तत्व है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 11वीं का चैप्टर है आवर्त सारणी, उसे ओपन कीजिएगा, मैं देखिएगा। मैंने सिखाया था डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का, ये इसका विन्यास है। अब आप इसे डी को उठा लीजिए, 3d में कितने कक्षक होते हैं? 5। डी में कितने कक्षक हैं? 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 6 कैसे भरेंगे आप? 1 2 3 4 5 6। 6 बनने के बाद देखें अयुग्मित कितने बचे हैं अकेले? 1 2 3 4। आयरन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? कितने हैं? 1 2 3 4। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। सूत्र विमान तो म्यू बराबर क्या आ गया? रूट में 4 4 प्लस 2 20। एन का मान दिया 4, ये भी 4, ये भी 4। 4 और 2 कितने हो गए? 6। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए? 24। म्यू बराबर 24, रूट में 24। अब इसका लगभग आंसर देखो, 25 का रूट कितना होता है? 5। तो 24 का कितना होगा? 4.7। 4.8 कह लो, 4.9 कह लो, 4.7। कैसे आया बेटा?
कि 25 का रूट 5 होता है तो 24 का कितना होगा, 5 से कम ही तो आएगा, 4.7 लिख दो, कोई 4.8 लिख दे तो गलत नहीं है, अपने अंदाजा है लगभग, ठीक है जी। इस प्रकार से निकालेंगे और एग्जांपल देखेंगे इसका। अब अपने चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं FE+3, μ क्वेश्चन FE+3 फेरिक के μ का मान निकालना, कैसे निकालेंगे? FE कितने नंबर पर आता है? 26। 26 का मतलब आर्गन 18, 3d6 4s प्लस 3 है, प्लस 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, निकल गए 3, निकालो 2 यहां से गए 1 यहां से गए, Fe+3 आर्गन 18, 2 यहां से 1 यहां से, तो यहां कितने रह गए 5, यहां कितने हैं 0, डी में कितने इलेक्ट्रॉन बन गए, कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, तो यानी कि अब की बार ए यूनिट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। आई बात समझ में? Fe+3 का म्यू का मान निकालना है, प्लस 3 का मतलब 3 गए 2 यहां से 1 यहां से, डी में कितने रह गए 5, ये 5, 5 पैसे बनेंगे तो 5 ए यूनिट आएंगे, एन का मान कितना हो गया 5, एन बराबर 5, इसका म्यू निकालो, म्यू बराबर क्या आ जाएगा रूट में 5 5+2 बीएम। बीएम की फुल फॉर्म बताई थी मैंने आपको, बोरो मैग्नेट। बीएम क्या होता है? बोरो मैग्नेट। इसको हल करें, ये रूट में कितना हो गया 35, 5 और 2 7, 7 × 5 35 बीएम, वही चीज 36 का रूट 6 है तो 35 का लगभग 5.7 बीएम, मतलब Fe+3 के चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है 5.7 बीएम। समझ में आ रहा है तरीका? ऐसा प्रश्न कोई भी आ सकता है, जैसे एक और करके देखते हैं। अपने पास आ गया जिंक 30, म्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 30, क्या आ गया आर्गन 18, 3d 4s 18 2 20 और 10 30, 30 नंबर पर आता है आर्गन 18, 18 2 20 और 10 30, डी पूरा बड़ा पड़े, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होने वाले हैं युग्मित, 10 कैसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सारे युग्मित हैं, यानी कि n बराबर कितना आ गया 0। n क्या था? n 0 का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, तो म्यू बराबर क्या आ गया रूट में, याद करो क्या था n n+2 bm, तो म्यू कितना हो गया भी, यहां जीरो रखते ही सारा जीरो हो गया, जीरो रख दिया, जीरो कैसे गुना जीरो, म्यू बराबर जीरो, और जब म्यू जीरो आ जाए तो उसे अपने क्या कहते हैं प्रति चुंबकीय, क्या कहते हैं प्रति चुंबकीय। बात समझ में आई? नोट करें, एक एग्जांपल और देखते हैं। अपने को ज्ञात करना है Cb+3 का, किसका ज्ञात करना है Cb+3 का म्यू ज्ञात कीजिए। Cb कितने नंबर पर आता है 27, 27 का मतलब
आप नंबर 18 3d7 4s2 आर्गन 18 3d7 4s2 तीन चले दो यहां से एक यहां से कोबाल्ट प्लस 3 बराबर आर्गन 18 3d6 4s2 छह कैसे बनती है एक दो तीन चार पांच छह बनते ही एन कितना आ गया चार एल में इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार एल में कितने आ गए चार म्यू रूट में चार चार प्लस दो बीम तो कितना हो गया 24 24 का रूट पीछे बताया था 4.7 क्लियर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास आपको आंसर निकालना चाहिए कोई भी एग्जांपल आ जाए उसका म्यू का मान निकालिए अगर म्यू का मान जीरो आ जाता है तो वो क्या कहलाता है प्रति चुंबकीय प्रश्न आज का ध्यान है आपको कि Fe+3 प्रश्न था Fe+3 के चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान कितना होता है दोबारा से कह रहे हैं सोमवार को किसका पेपर है आपका फिजिक्स का पेपर है पेपर दिवस निर्धारित है उसके बाद मैथ बायो का गुरुवार को है और अपना केमिस्ट्री का सैटरडे को है जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं वो कमेंट करें क्योंकि इस बार जब रिजल्ट आएगा ये नंबर जो 10 नंबर का पेपर है इसके साथ में कमेंट वाले नंबर जुड़ के आएंगे तो कोई से बच्चे ने बहुत सारे कमेंट किए हैं बराबर कमेंट किए हैं वैसे आगे आ जाएगा कमेंट करना जरूरी है अभी भी आपके पास 2 दिन पड़े हैं ठीक है आज का कमेंट बकाया है ये नंबर जुड़ेंगे आपके 10 और 10 20 नंबर ठीक है जी नोट कर लें टॉपिक धन्यवाद